हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रॉप कटिंग का 1.1 का एक्सपेरिमेंट आपको मोबाइल में करके बता रही हूँ सीसी ऐप से। सबसे पहले हम मोबाइल ओपन करेंगे, उसके बाद में क्रॉप कटिंग का जो ये ऐप्स है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन किया, ये इस तरह से खुलेगा। उसके बाद में न्यू फॉर्म है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। न्यू फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद में पार्ट 1.1 का फॉर्म खुलेगा, उसको ओपन करेंगे। इसको ओपन किया, ये इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस तरह से ये फिल कर रखे हैं उन ऑप्शनों को नहीं भरना है। उसके बाद में अपन को ये क्रॉप नेम है तो अपन को क्रॉप नेम सेलेक्ट करनी है। क्रॉप नेम में सेलेक्ट करने के बाद में अपन को जिस क्रॉप का एक्सपेरिमेंट करना है उस क्रॉप को लेंगे। जैसे कि मैं ले रही हूँ मक्का, मक्का का एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। उसके बाद में तहसील भी फिल करी हुई है, गिरदावर सर्किल भी और फिल करा हुआ है, पटवार हल्का अपन को भरना है। जो मेरा पटवार हल्का पड़ता है थूर, तो मैंने थूर सेलेक्ट किया। उसके बाद में खसरा नंबर 9, उसके बाद में विलेज, जैसे विलेज है मेरा थूर तो मैंने थूर सेलेक्ट किया। उसके बाद में ये मांग रहा है खसरा नंबर, खसरा नंबर में मेरे जो सेलेक्ट किया है खसरा नंबर वो 1760 है। जैसे मैंने इसको फिल किया, आगे आ गया कि जिस खसरा नंबर में मक्का क्रॉप बो रखी है उसमें कितने एरिया में मक्का क्रॉप बो रखी है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 0.1 और मैं बो रखी है, मतलब आधे बीघे में बो रखी है। उसके बाद में अपन को यहाँ पर ओके करना है। ये तीन खुल के आएंगे कि हेक्टर में है, कि एसर में है, कि क्यूसेक मीटर में है। तो 0.1 हेक्टर के अंदर है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में ये लेंथ पूछ रहा है कि आपने जिस खेत की लंबाई चौड़ाई अपन को लेनी है, तो अब जिस खेत में मैंने एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उस खेत की लेंथ कितनी है। तो मेरे खेत की लेंथ है 45 और उसके बाद में उसकी चौड़ाई है 15, ये फिल किया। उसके बाद में क्या फार्मर उस जगह पे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो यस, प्रेजेंट नहीं है तो नो। उससे आगे बढ़ेंगे, फार्मर्स का नाम भरना, जैसे मेरे फार्मर्स का नाम है दिलीप, मैंने दिलीप फिल किया। आगे मोबाइल नंबर मांग रखे तो फार्मर्स के मोबाइल नंबर मैंने डाले। उसके बाद में उसका आधार, अगर आधार है तो आधार नंबर लिखने हैं। उसके बाद में हार्वेस्ट डेट, फार्मर को पूछेंगे कि मक्का कब कटेगी। मेरे फार्मर ने बोला कि मक्का कटेगी 10 तारीख को, 10 अक्टूबर में कटेगी नवरात्र के बाद में। तो मैंने 10 अक्टूबर को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। उसके बाद में अगर आपने आपके एक्सपेरिमेंट ऑफिसर को अगर आपने बोला है कि मैं इस एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो यस, और नहीं बोला है तो नो। उसके बाद में आपको पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करते वक्त ध्यान रखना है कि अपना मोबाइल का GPS ऑन रखना है, जिससे कि उस जगह का लेट लॉन्ग आ जाए और पिक्चर आपको अपलोड करनी है। इस तरह से कैमरा खुल जाएगा। जैसे मैंने पिक्चर अपलोड करी, पिक्चर अपलोड करने के बाद में इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट का फॉर्म आएगा, पिक्चर सेलेक्ट हो चुकी है उसके बाद में सबमिट का आएगा। सबमिट, उस फॉर्म को सबमिट कर दो और 1.1 फॉर्म कंप्लीट होता है और सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। और उसके बाद में मैसेज आने के बाद में सेव फॉर्म में आपके पास में 1.1 का फॉर्म जमा हो जाता है। जिस तरह से जमा हो जाता है, मेरे फार्मर का नाम और इस तरह से आ जाता है कि मैंने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में आप नेक्स्ट एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें 1.2 भरूंगी, तो उसका फिर अपन इस तरह से ओपन करेंगे तो फॉर्म सेकंड का अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।